जो हमारे छात्र, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग आईएएस बने, कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है, उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। मैं देखता हूँ अभी, मैं सवेरे सवेरे में जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर छोड़ चढ़ाने में। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग, आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जा करके हाजिरी लगाओ, हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को, बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान देना। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग JNU में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े, वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए, हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। एक और बिगुल फूंक दिया है और खास करके उनके निशाने पर CM नीतीश कुमार हैं और BJP है, यानी जो वर्तमान सरकार है बिहार की वो उनके निशाने पर है, और शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेर लिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। आज CP सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो नीतीश कुमार के खासम खास रहे, कभी नीतीश कुमार के मुख्य प्रधान सचिव थे, IAS अधिकारी थे, सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी, और RCP सिंह की तूती बोलती रही। उसके बाद RCP सिंह सियासत में कूदे नीतीश कुमार के जरिए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, JDU जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हालांकि बाद में खटपट हुई और उसके बाद नीतीश कुमार से दूरी बढ़ गई। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद RCP सिंह BJP में शामिल हुए, लेकिन BJP में भी उनकी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी क्योंकि नीतीश कुमार की वापसी हो गई NDA में और RCP सिंह हाशिए पर चले गए। उसके बाद RCP सिंह ने अब वापसी की है, बिहार में नई पार्टी की लॉन्चिंग कर दी है। प्रशांत किशोर जैसे मैदान में आए हैं, वैसे ही अब RCP सिंह भी आशा उम्मीद लेकर आए हैं। आशा है उनकी पार्टी का नाम ASA, यानी आप सबकी आवाज़ पार्टी का नाम उन्होंने दिया है और पार्टी के झंडा का ऐलान किया है और पार्टी के एजेंडा को भी उन्होंने सामने रखा है। और इस दौरान जब उन्होंने बातचीत की तो शिक्षकों के मुद्दे पर पूरी तरह से मुखर नजर आए RCP सिंह। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और मैंने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की है मैं ये जानता हूं, लेकिन आज क्या स्तर है और किस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही है नीतीश सरकार, इन तमाम बातों की उन्होंने चर्चा की। क्या कुछ कहा RCP सिंह ने शिक्षकों के मुद्दे पर, सुन लीजिए आप। एक आप सब लोगों जगह आज देखते हैं, जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग IAS बने, कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है, शिक्षा विभाग में रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है।
बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। मैं देखता हूँ अभी, मैं सवेरे सवेरे में जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर छोड़ चढ़ाने में। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जा करके हाजिरी लगाओ, हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं। कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान देना। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग JNU में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े, वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए, हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, एक मैंने शिक्षा के जानबूझ करके चर्चा की। तो सुना आपने कि RCP सिंह क्या कह रहे हैं, दरअसल स्कूलों की टाइमिंग की बात कर रहे हैं और स्कूलों में जिस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार हो रहा है, और उन्होंने कहा कि स्कूलों की टाइमिंग हम पढ़ते थे या फिर नीतीश कुमार जो हैं सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो पढ़ते थे या फिर तमाम जो लोग पढ़े हैं वो 10 से 4 ही पढ़ते रहे हैं, मैं तो 3 बजे तक ही पढ़ता था, और अब जो है जो स्कूलों की टाइमिंग जो बढ़ाई गई है उस पर उन्होंने निशाना साधा। यानी सीधे सीधे जो शिक्षकों का मुद्दा है, सबसे अगर कहा जाए कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस मुद्दे पर CM नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ऐलान भी किया था विधानसभा के अंदर और कहा था कि शिक्षकों की टाइमिंग जो है 10 से 4 होगी स्कूलों की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में RCP सिंह ने उस मुद्दे के जरिए शिक्षकों के हक की आवाज़ जो है उठा दी है और शिक्षकों के लिए हक में लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही है। उनकी पार्टी जो है आशा, उन्होंने कहा है उसके जरिए वो शिक्षकों की बात रखेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई। यानी शिक्षकों का जो मुद्दा है, शिक्षकों के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मसला है, हालांकि सरकार कह रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो दिसंबर तक कर लेंगे, इंतज़ार है शिक्षकों को। बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने, जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी है, सक्षमता परीक्षा, 1,87,000 जिनकी संख्या है, सक्षमता 1 उन्होंने दी थी, 2 भी हुई है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने की श्रेणी में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हैं, उनकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पा रही।